दिया नजीब जंग साहब ने, तो मैंने खुद उनसे बात की थी और उनसे पूछा था कि क्या ये खबर सही है। उन्होंने उसकी तस्दीक की और मुझे बताया कि वो अब आगे थोड़ा टायर्ड महसूस कर रहे हैं और एजुकेशन के सेक्टर में कुछ काम करना चाहते हैं, एकेडमिक्स में। तो मैंने उनको शुभकामनाएं दी। मैंने उनसे पूछा था कि कुछ खास वजह अभी इस्तीफे की, तो उन्होंने कहा कि बस मेरा मन भर गया है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। मैं अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनके आगे के प्लानिंग्स के लिए, जो भी भविष्य में प्लानिंग करेंगे। पिछले 2 साल में और उससे पहले 49 डेज के दौरान उनके साथ काम किया, बहुत अच्छा, खट्टा मीठा कई तरह का उनके साथ अनुभव रहा है। कई चीज़ों पे हम उनसे झगड़े भी हैं, कई चीज़ों पे अंदर बैठ के खूब बहस भी हुई है, कई चीज़ों पे उन्होंने हमें आगे बढ़ने से रोका भी है। पर उस सब के बावजूद मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली के लिए एजुकेशन में, हेल्थ में, बिजली पानी में बहुत सारे ऐसे काम हमने किए हैं जो उनके साथ मिलकर दिल्ली के लिए किए हैं, और अभी तक उन्होंने जितना भी सहयोग दिया मैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो खट्टा मीठा रहा उस पर बातचीत करते रहेंगे आगे भी। किरण बेदी और बीएस बच्ची साहब का नाम भी चल रहा है अगले उपराज्यपाल के लिए, आपकी तरफ से ये केंद्र सरकार को तय करना है कि किसको लाना है, क्योंकि एलजी कौन होंगे ये तो केंद्र सरकार तय करेगी। पर हमारा काम दिल्ली के लिए काम करना है, अगर एलजी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग मिलेगा तो भी काम करेंगे, और नहीं सहयोग मिलेगा तो लड़के काम करेंगे। ये तो गेस वर्क है, आप लोग भी नहीं, मैं उनसे पर्सनली मिलने जाऊंगा। थैंक यू। हाउ मच यू बिलीव ऑन दैट? थैंक यू सर। इंडिया टुडेज मौसमी सिंह नाउ जॉइंस मी फॉर मोर ऑन द स्टोरी। मौसमी, सो खट्टे मीठे अनुभव, बिटर स्वीट मेमोरीज और वर्किंग एक्सपीरियंसेस, व्हाट मनीष सिसोदिया इज टॉकिंग अबाउट। सो व्हाट नेक्स्ट और हु नेक्स्ट एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? देयर आर सेवरल नेम्स डूइंग द राउंड, इंक्लूडिंग बीएस बस्सी, किरण बेदी एंड परहैप्स इवन अ रिटायर्ड जनरल, वी आर टोल्ड। Okay, I'll try and re-establish that line with Moshmi Singh in just a moment. But Aam Aadmi Party's Dilip Pandey now joins me for more on this. Dilip Pandey, how do you look at the LG's sudden resignation and Ajay Makan of the Congress Party saying that there was a deal between Arvind Kejriwal and Prime Minister Narendra Modi? देखिए गौरव भाई, हम सबके लिए ये आश्चर्य से भरा हुआ खबर था। हम सब हतप्रभ थे कि अचानक ये क्यों हुआ। पर मोटा मोटा हम यही कहना चाहेंगे कि एलजी साहब के साथ हमने पहले भी काम किया, 49 दिनों की सरकार के दौरान काम किया, और पिछले 2.5 साल से हम लगातार काम कर रहे हैं। बहुत सारे कामों पे उन्होंने सवाल खड़े किए, कुछ कामों को उनकी वजह से रुकना पड़ा, बहुत सारे काम उनके होने के दौरान हुए भी, तो मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस रहे हैं एलजी साहब के साथ। और आगे वो जो भी करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उनको आगे का सफर तय करने की पूरी आजादी है ही जी। तो उनके अपने जीवन में जो वो अचीव करना चाहते हैं, वो पाना चाहते हैं, उसके लिए आम आदमी पार्टी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। और बड़ी चीज ये है कि उनसे कोई निजी विद्वेष नहीं था, कोई निजी झगड़ा नहीं था उनके साथ, कोई पर्सनल नहीं था उनके साथ, कोई जाति जंग नहीं थी जी। जंग किस बात की थी? जंग केंद्र सरकार के साथ, हम कुछ काम करना चाहते हैं, दिल्ली की जनता की भलाई करना चाहते हैं, उसमें जो अड़ंगे लग रहे थे उसको लेके संघर्ष था, वो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल था। और जंग साहब से कोई ऐसी व्यक्तिगत रंजिश थी नहीं जी, चाहे मसला कोई भी रहा, मुद्दा कोई भी रहा, वो दिल्ली की जनता के हित से जुड़ा हुआ था, हर से जुड़ा हुआ था। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि शुभकामनाएं हैं नजीब जंग साहब को। दिलीप पांडे फॉर द मोमेंट, मेनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस हियर ऑन इंडिया टुडे। वी विल कंटिन्यू टू ट्रैक डेवलपमेंट्स ऑन द स्टोरी वेरी क्लोजली। Till yesterday, it was said he wanted a one-week long leave. He was planning to take leave, spend time with family in Goa, and then suddenly he quit. Was there a trigger?